Levko. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आप सभी का कैलिफोर्निया 30 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा कैलिफोर्निया 30 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज, बिजनेस आइडियाज़ और स्टार्टअप स्टोरीज। तो दोस्तों, आज ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि नाबार्ड से आप लोन कैसे ले सकते हैं, या नाबार्ड आपको लोन देता है या नहीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बकरी या मुर्गी पालन के लिए या पशुपालन के लिए अगर लोन चाहिए तो आप नाबार्ड से सब्सिडी के साथ लोन कैसे ले, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नाबार्ड किसी को भी लोन नहीं देता है। रिजर्व बैंक नाबार्ड को निधि देती है। नाबार्ड वो स्टेट अपने जो स्टेट बैंक होती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, जो नेशनलाइज बैंक्स होती है, उनको नाबार्ड ये पैसे दे देता है। तो आपको सबसे पहले तो आपके जो नज़दीकी जो एनिमल डिपार्टमेंट है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको वहाँ जो पशु वैद्यकीय अधिकारी रहते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, वहाँ से फॉर्म लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा आपके बैंक। आपके बैंक जाने के बाद आपको तुरंत लोन नहीं मिलेगा। आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, वो बैंक में आपका क्रेडिट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको बैंक लोन दे सकती है। 6 महीने का अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छे रहेंगे तो बैंक आपको लोन दे सकती है। और बैंक से लोन मिलने के बाद आपको जाना पड़ेगा जो एनिमल डिपार्टमेंट है वहाँ। एनिमल डिपार्टमेंट के वहाँ जाके आपको वो लेटर बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके बाद वो एनिमल डिपार्टमेंट नाबार्ड को वो फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद नाबार्ड अपना जो निधि आता है वो आपको आपके बैंक में डायरेक्ट जमा कर देगा। तो डायरेक्ट नाबार्ड आपको लोन नहीं देता है। इसके बाद आता है कि ये मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, इसके लिए जो सब्सिडीज़ मिलती है, जो 25%, 30%, 35% ये सब्सिडीज़ आपको मिल जाती है। तो वो सब्सिडीज़ भी आपको नाबार्ड देता है और नाबार्ड डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा कर देता है। जब आप इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो उसके एंड में आपको ये सब्सिडीज़ मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कोई बिज़नेस आइडियाज़ के संदर्भ में वीडियो नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नाबार्ड से लोन कैसे मिलता है, कैसे हो ये प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। तो मैंने आपके लिए ये जानकारी दी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको ये हमें नीचे कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में दीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए। और आप अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।